टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात कर रही है, तो वहीं इस प्रदेश सरकार की राशन वितरण की इस प्रणाली को राशन डीलर ही पलीता लगा रहे हैं। यूपी के राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने भी कहा कि ऐसे राशन डीलरों पर कार्यवाही की जाएगी जो गरीबों का अनाज तक नहीं छोड़ते। बुलंदशहर में बीती 3 तारीख से अब तक 3 राशन डीलरों पर कार्यवाही की जा चुकी है। राशन डीलर की ऐसी ही एक करतूत बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित अगवाल गांव से सामने आई है, जहां राशन डीलर पर अपनी मनमानी कर यूनिट से कम राशन बांटने का आरोप है। ये तस्वीर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की है, जहां राशन डीलर किस तरीके से अपने मनमानी कर लोगों को यूनिट से कम राशन बांट रहा था। 4 किलो में क्या क्या चीज दे रही, क्या कितने कितने दे रही? 4 किलो में 20 किलो लेके गया हूँ, 10 किलो गया हूँ, 10 किलो चावल 5 यूनिट पर। 5 यूनिट पर जी। आपने किसी से शिकायत की थी? जी नहीं, अभी तक तो हमें तो ये पता है कि 4 किलो मिल रहा होगा पीछे से, जब 4 किलो आ रहा। नूर निसा, एक यूनिट पर कितना राशन दे रही है? 4 किलो। तो राशन का 5 किलो बता रही है? 4 दे रहे हैं, ये तो बहुत दिनों से 4 ही देते आ रहे हैं। क्या नाम है राशन वालों का? हसरत। आपको राशन मिला? यूनिट हमारे घर में 5 है और हमें 20 किलो मिला है टोटल। हाँ, 10 किलो का मैं चावल मिले हैं और 10 किलो गेहूँ मिले हैं। 10 किलो गेहूँ दिए हैं? हाँ, 5 लोगों पर। हाँ, यानी एक यूनिट पर 2 किलो गेहूँ दे रहे हैं? यस। अच्छा, तो अब दोबारा क्यों आए? 5 किलो कम थे हमारे, कम थे, वो लेना है। हाँ जी, 5 लोग। अच्छा, ये कितना राशन दे रहे हैं आपको? गेहूँ कितना दे रहे हैं और चावल कितना? मैं 15 रुपया इनसे मांग के 10 किलो देते हैं वैसे। 10 किलो 5 लोगों पर? नहीं, 20 किलो देते हैं मेरे 5 आदमियों पर। मैं गया, बच्चे बीमार है, 5 लोग 25 किलो। कार्ड धारकों का आरोप है कि उनका राशन डीलर यूनिट से कम गेहूं और चावल बांट रहा है। यूपी सरकार का आदेश है कि प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और 2 किलो चावल कार्ड धारकों को वितरित किए जाएं। उसके बाद भी ये राशन डीलर गरीबों को कम राशन बांट रहा था। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची आपूर्ति निरीक्षक खोजा पूनम सिंह और उनकी टीम ने इस मामले की जांच की। आपूर्ति निरीक्षक पूनम सिंह ने बताया कि राशन डीलर लोगों को निर्धारित राशन से कम दे रहा था, और यह भी बताया कि राशन डीलर ने लोगों से कहा यदि एक कार्ड पर 7 यूनिट से ज़्यादा होती हैं तो उन्हें भी कम राशन दिया जाएगा। कार्ड धारकों के बयान के आधार पर निरीक्षक ने रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारी को भेज दी है। तो कुछ जगह लोगों ने इसमें गड़बड़ियां की हैं, लेकिन कल भी बैठक हुई और आज बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। हर अधिकारियों ने जा कर के देखा है कि राशन डीलर खुद जाके वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा के उसका वितरण किया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन जिन लोगों ने ऐसी गड़बड़ की है राशन डीलर्स ने, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनके ऊपर नैतिक दबाव भी है। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे जितने हमारे वैचारिक संगठन हैं, वो सारे लोग लगे हैं घर में। अभी पीछे 3 दिन पहले हर परिवार में 5 लोगों का भोजन बना करके 10,000 लोगों को भोजन कराया गया। जब समाज के सारे लोग आगे आ रहे हैं तो इन लोगों के ऊपर नैतिक दबाव भी है राशन डीलर के ऊपर, और प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो अंतिम बेनिफिशरी है, जिसको लाभ जाना है, उस तक पूरा लाभ पहुँचे। हमें शिकायत मिली थी कि इस गांव में यूनिट के हिसाब से पूरा राशन नहीं बांटा जा रहा है, तो जैसे ही हमें शिकायत मिली, मैं और नायब तहसीलदार खुर्जा हम इस गांव में आए। हमने कुछ लोगों से बयान लिए हैं जिन्होंने बताया है कि उन्हें विक्रेता ने कम राशन दिया है। शायद विक्रेता ने यह भी कहा है कि अगर 7 यूनिट से ज़्यादा का कार्ड है तो हम राशन पूरा नहीं देंगे। उसके बाद हमने बयान लिए हैं यहाँ पर, और उस पर आगे जो कार्रवाई होनी है उसके लिए फाइल आगे भेज रहे हैं। ये कौन सा गाँव है? ग्राम अगवाल में मौजूदा विक्रेता हैं हजरत अली। अब तक की जो कार्रवाई है राशन डीलर के खिलाफ, क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक हमने नगर क्षेत्र में 2 FIR दर्ज कराई हैं, मैसर्स चरण सिंह सिटी स्टेशन और मैसर्स अर्जुन सिंह खुर्जा जंक्शन। इसके अलावा हमने कल एक और FIR कराई है ग्राम दस्तूरा में, ब्लॉक खुर्जा में है, शेर सिंह, मैसर्स शेर सिंह।
उसके बाद में हमारी ये चौथी कार्रवाई है। अगर किसी भी गांव में यूनिट के हिसाब से कम मात्रा में राशन वितरण करता हुआ पाया जाएगा कोई डीलर, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगवाल गांव के आरोपी राशन डीलर का तत्काल लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, जबकि अब इस गांव के राशन का कोटा पड़ोसी गांव धरपा के राशन डीलर को सुपुर्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों में यह चौथा राशन डीलर है जिस पर प्रशासन की गाजगिरी है। इससे पहले भी 3 राशन डीलरों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है, जो गरीब जनता का राशन डकारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अब देखना यह है कि चंद मुनाफा कमाने के लिए गरीबों का राशन हड़पने वाले इस डीलर के विरुद्ध बुलंदशहर प्रशासन किस तरह की कार्यवाही करता है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।